वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं, ये लिखा है डिवाइस, एडवाइस, सीमेंट, साइंस, सर्कल, सिटी, कैश, कार्ट, कैच, कर, कैप, कट, बेनिफिशियल, आर्टिफिशियल और है फेशियल। आज हम सी सी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करेंगे। सी का साउंड जो है, कहीं पर क, कहीं पर स और कहीं पर श, तीन प्रकार के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि सी का साउंड कहाँ पर स होता है, कहाँ क होता है और कहाँ श होता है। ई के बाद अगर ई, आई और वाई हो तो उसका उच्चारण होता है, उसका प्रोनंसिएशन होता है स स। और ए, ओ, यू या कोई भी कंसोनेंट, कोई भी अदर लेटर हो तो वहां पर उसका उच्चारण होता है क क। और सी के बाद अगर आई ए, आई ई, आई ओ हो तो इसका प्रोनंसिएशन होता है श। तो इस प्रकार तीन प्रकार के साउंड प्रोड्यूस करते हैं सी, स, क और श। सी के बाद ई, आई और वाई हो तो स साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। तो ये है बैलेंस, ग्लैंस, सर्टेन, डिवाइस, एडवाइस, सीमेंट, साइंस, प्राइस, सेंटर, डांस, फेस, सेल। इस प्रकार से सभी के अंत में या शुरुआत में सी के बाद ई आया है। तो ये ई साउंड के एग्जाम्पल हैं। यहां सभी जगह पर स साउंड प्रोड्यूस हुआ है। आई के एग्जाम्पल, सी के बाद आई हो तो वहां पर भी स साउंड प्रोड्यूस होता है। देखते हैं, साइंस, सर्कल, सिटी, क्रिटिसाइज, सर्कस, सिगार। अगर सी के बाद अगर वाय हो वहां पर भी स साउंड प्रोड्यूस करता है। साइकिल, पॉलिशी, आईसी, फैंसी, नैंसी। ये सभी जगह पर सी के बाद वाय आया है और इसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर सी के बाद ए, ओ, यू, एल, के, आ या फिर और कोई भी कंसोनेंट हो, कोई भी व्यंजन हो तो वहां पर क साउंड प्रोड्यूस होता है। देखते हैं, यहां पर सी के बाद अगर ए हो तो यहां पर क का साउंड होता है। कैबल, कैट, कैंटीन, कैश, काट, कैच, कैम, कॉल, कैन। यहां पर सभी जगहों पर सी के बाद ए आया है, इसलिए यहां पर क साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। देखते हैं, सी के बाद ओ हो वहां पर भी क साउंड प्रोड्यूस होता है। देखते हैं, कॉमिक, कोजी, कॉस्ट, कॉक, कॉट, कॉल्ट, कॉम, कॉटन, कोल्ड। यहां पर भी क साउंड प्रोड्यूस हुआ है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। और सी के बाद अगर यू हो, सी के बाद अगर यू हो वहां पर भी क साउंड प्रोड्यूस होता है। कल्टीवेट, कर्व, कप, कर्स, कर्ल,
यहां पर सभी जगह सी के बाद यू आया है। देखते हैं सी के बाद अगर एल हो वहां पर भी का साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लस्टर, क्लॉक, क्लब, क्लैम, क्लीन, क्लैब, क्लोज, क्लियर, क्लाइम, सभी जगह सी के बाद एल आया है वहां का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। देखते हैं सी के बाद अगर के आए वहां पर भी का साउंड प्रोड्यूस होता है। अटैक, कॉक, ब्लॉक, लक, लॉक, क्लॉक, अगर सी के बाद आर हो वहां पर भी का साउंड प्रोड्यूस होता है। देखते हैं क्रैक, क्रैश, क्रीम, क्रिएट, क्रेडिट, क्रीप, क्रॉस, क्रस, क्राई, सी के बाद ए ओ यू या फिर कोई भी कंसोनेंट आए, व्यंजन आए, उनके साथ का साउंड प्रोड्यूस होता है। देखते हैं अगर सी के बाद आई ए, आई ई और आई ओ हो तो यह जो है श, श, सककश, श, झनकार वाला श यूज होता है। देखते हैं आई ए का एग्जांपल, बेनिफिशियल, आर्टिफिशियल, फेशियल, ब्यूटीशियन, स्पेशल, रेशियल। आई ई का एग्जांपल है प्रोफिशिएंट, सफिशिएंट, एंशिएंट। आई ओ का एग्जांपल है स्पेशियस, प्रीशियस, ग्रेसियस। क्लास में हमने सीखा सी का प्रोनंसिएशन स, क और श। तो मुझे विश्वास है, आशा है आज की क्लास से आपको बहुत फायदा हुआ होगा और बहुत कुछ सीखे होंगे। थैंक यू।